मेरे वालों सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ते अज दी वीडियो दे विच आपां बहुत ही इंटरस्टिंग ते एक कह लो कि एंटीसपेशन रखदे हुंदे आपां जिस चीज़ लई उदां दी एक खबर आ। वो खबर हैगी है कि पाकिस्तान दे विच लाहौर दे विच जिहड़ी मैट्रो ट्रेन दा जो आगाज़ आ हो चुक्या है ना, ते उहदे नाल रिलेटेड एक चीज़ देखांगे कि अंदरों जिहड़े मैट्रो स्टेशनस किद्दां दे आ, मैट्रो किद्दां दी है, एंड लोकां दा की उहदे ते रिस्पोंस है। ठीक है, सो सारी वीडियो देखांगे, शुरू तो लैके अंत तक बने रहो अपने नाल, ते अपने चैनल नूं कर लो सबसक्राइब एंड हिट द बैल आइकन एज वैल, तां जो जिहड़ी नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाए जदों भी मैं कोई वीडियो अपलोड करा। एंड आ जाओ रेड कलर की उत्थे जी मैट्रो शुरू हुई है। ठीक है, रेड कलर की मेरे ख्याल अपने इधर वाइट ब्लू इदां दा। पर लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। कोरोना वायरस करके काम थोड़ा डाउन हो गया सी, पर हुण जिद्दां सारा कुछ फिर बैक टू ट्रैक आ गया। ट्रेन के अंदर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग नशीतें रखी गई हैं। अच्छा, मजदूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं। सही है, मैनू एक्चुअली ना आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है जदों बोलते ना अगला स्टेशन ये वाला है, तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होंदा देखण च। खाली पई है ना, हजे तक कोई ज्यादा मेरे ख्याल लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना वायरस करके शायद कोई घरों, पर हुण तां यार नॉर्मल आ, हुण निकलदे आ बाहर, नवियां चलियां हो सकदा तां करके। मेट्रो और इनलाइन ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया है और इस रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर ही बनती है। अच्छा। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के इस सफर में कुल 26 स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि बाकी ओवरहेड हैं। अच्छा, तो अंडरग्राउंड ना बाकी सारे मतलब के बैठने की गुंजाइश है, और रोजाना की बुनियाद पर देखा जाए तो एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफिद होंगे। ओ वाओ, मेट्रो ट्रेन के सफर से कम अज कम 1 घंटे का वक्त बचेगा। लाहौर काफी बड़ा शहर है यार, मतलब काफी बड़ा शहर है एक्चुअली। यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है वो 6-6 लोग बैठते हैं, ये जो आप सोफा देख रहे हैं इस पे, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह और हैंडल बने हुए हैं। काफी स्पेशियस ट्रेन बनी है और इसमें वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त की गई है, और रोशनी तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छी है। रोशनी तो आएगी क्योंकि उधर मिरर्स जो लगे हैं टिमटिमा रही थी। जैसे ही कोई स्टेशन गुजरता है इसके नीचे टिमटिमाने वाली लाइट बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब इससे अगले स्टेशन की बारी। या दैट्स कॉमन थिंग। इमरजेंसी की जरूरत में बात करने के लिए ये आप पीछे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इसे आप उठाएं। ओके, इमरजेंसी मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है ना, एनी चीज पे तुसी ये प्रेस कर सकते हो, पे बात कर सकते हो। आप कंट्रोल रूम के साथ बिल्कुल एक्सेस में हैं, बट आई भी नहीं कि तुसी शरारत करोगे यार मैं गलत ट्रेन च बैठ गया, उधर से तो फाइन भी लगूगा। बल्कि लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों से बल खाता हुआ गुजरता है। अगर आप पिछली बोगियों में हैं तो जैसे ही कोई बल आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाले डिब्बे गायब हो गए हैं, लेकिन आपने डरना नहीं क्योंकि ट्रैक जैसे ही सीधा होगा ये डिब्बे भी दोबारा अच्छा यार दैट इज कॉमन थिंग, पर ये बाकी इंटरेस्टिंग लगता देखने से जरूर। वी आर नाउ एट अच्छा इतनी कुड़ी बोल दी प्लीज गेट रेडी। अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेशन। अनारकली से नाम इन्होंने उतन दे रखा है, तमीज बनाया गया है, कूल है यार। मतलब मैट्रो के नाल ना मतलब लोगों को काफ़ी सौखा हो जाना क्योंकि आवाजाही दे विच जां जे लोगों ने टाइम बच जाता है ना, पर हुण सारा खाली खाली बैंड इन्होंने पाकिस्तान की फील विच रखी है। जिते भी तुसी देख रहे हो ना डिजाइन वगैरह आर्किटेक्चर जो आ फुल बूटियां जी है ना, मतलब ये कल्चर अपने इंडिया पाकिस्तान दे इन्होंने वो फील रखी है। एंड उत्तो कलर भी इन्होंने ग्रीन रेड कॉम्बीनेशन रखा जो कि ग्रीन कलर तुहानू पता पाकिस्तान का जो टिकट लेने के 2 तरीके हैं। पहला तो वही जो सदियों से चला आ रहा है,
कतार में लगकर काउंटर पर बैठे शख्स से टिकट खरीदते हैं। दूसरा तरीका खुद कार यानी ऑटोमेटिक है। अच्छा, मतलब कियोस्क लगा हुआ होता है, तुम आपे टिकट ले सकते हो। आप चाहें तो इन मशीनों में पैसे डालकर अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। उर्दू जो कार्ड बनूंगा वो कार्ड इतो रिचार्ज हो जाया करूंगा। सही है, जिन्हें भी स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, सारे के डिजाइन कॉमन होंगे है। ठीक है, चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे दूजा हो, मेट्रो स्टेशन मतलब जिथे की मर्जी हो, उन्होंने जो डिजाइन है वह कॉमन ही रहने हैं। तो ठीक है, साफ सफाई का प्रबंध पूरा होंगे इतने, है ना। तो बाकी सेफ्टी वाइज भी देखो, पूरे अगे मिरर्स लगे है सब कितने, मतलब जिथे भी मेट्रो हैगी उदा ही है सारा कुछ, डिटो सेम है। एंड वेंटिलेशन वाकई इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ, काफ़ी लगाए हुए इन्होंने यार, कूलर है कि एसी है जो भी है। एंड आ देखो नाल कंध ते इन्होंने फुल बूटियां जी लाई है ना, वो एक फील रहती है कल्चर। लेक रोड पर दोबारा बाहर निकल आता है और चमुर्जी तक पहुंचने से पहले फिर ओवरहेड हो जाता है। ये लोगों को हौली हौली आदत होनी है इस चीज़ की। इन्होंने 40 रुपये मेट्रो का किराया रखा, तो मैंने लगता 40 का यार इन्होंने महंगा रखा, क्योंकि जेकर तुम रिक्शे या आटो का किराया मेरे ख्याल 10-20 रुपये होगा। चमुर्जी ही लोकल है ना, जहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड को पकड़ लेती है। जिथे कितने आप किसी चीज़ का फायदा होता उसे नुकसान भी होता, नुकसान आटो वाले होना है, ठीक है, ज रिक्शे वाले होना, क्योंकि उन्होंने जोड़ा धंधा है ना वो सीधे चलता, तो वो थोड़ा फर्क जरूर पै जाता। बाकी लोगों सैट बैठने मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने इनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंकलाब बरपा किया है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 19 कर लिए हैं, 7 स्टॉप रह गए हैं मुल्तान रोड पर, सब जा रहे हैं और अगले तकरीबन 12-13 मिनट में भाई जो पूरा वधिया रिव्यू किया, पूरा गेड़ा कड्या, मतलब लाहौर का पूरे का, ठीक है, सही है। प्लीज़ जाओ तो इन्हों का चैनल जरूर चेक करो। इनके बराबर नज़र आते हैं, ये अहले लाहौर के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हुकाम को इस जानी फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था। ट्रेन जब एक स्टॉप से स्टार्ट होती है तो अगले स्टॉप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, और बड़ी ही क्लियर ऑडियो है, जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर हमें ऑडियो की समझ नहीं लगती, यहाँ पर आप अपने स्टॉप को मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि आपने उतरना किस साइड से है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। हाँ, ये तो उतरने दरवाजे उसी साइड के खुलेंगे, भावें जितने मर्जी खुलेंगे। हम ड्रोन शॉट लै ले गए, यूट्यूबर्स ने वीडियो पाई है सारे ने, कौन भी क्यों ना यार, क्योंकि एक चंगी चीज़ हो सिटी के लिए तो प्रोग्रेस हो ही है ना, वो दिखाई तो ट्रेन के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें लगाई गई हैं, जिनमें ट्रेन से मुतलिक तमाम तर मालूमात एनिमेशन में बार बार दिखाई जाती है। अच्छा, सही है। सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने से पहले टिकट खरीदने का तरीकाकार दिखाया जाता है, एक्सीलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर किस जगह खड़े होना है, बच्चों को दरवाजे के करीब खड़े नहीं होने देना, वो खुद भी इससे हटकर खड़ा होना है, एमरजेंसी की सूरत में कौन कौन से हिफाजती इकदाम करने हैं और बाहर कैसे निकलना है, ये तमाम एक्टिविटीज इन स्क्रीनों पर बार बार दिखाई जाती हैं। सही है, सही है, रूल फॉलो करोगे तो ठीक रहता, नहीं तो यार जिदा इधर मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है ना, वो बुरा हाल होंगे, तो उदा ही जी दिल्ली मेट्रो ट्रेन चलती है उत्थे भी है खचा खच भरे पे होंगे, बहुत बुरा हाल। उनकी लाइट खत्म हो गई है और जो रह गए हैं उनकी लाइट आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन है, मतलब जो स्टॉप अभी रहने हैं उनको लाइट से इंडिकेट करके बताया गया कि ये 2-3 स्टॉप रह गए हैं, और जो हमने ट्रैवल कर लिया है वहाँ की जो लाइट, ये चीज़ सही है, खत्म कर दिया गया है। अज की जी वीडियो देखी है ये काफ़ी कुछ इंट्रस्टिंग चीज़ा दसिया गई हैं। एंड पाकिस्तान के लाहौर के मैट्रो ट्रेन जी लॉन्च कर दी गई है, लोग हूँ इनका भरपूर फायदा चक सकते हैं।
पर जिदा कि मैं अगे भी गल कर रहा है कि जेकर आप कोई चीज़ आप फायदेमंद होंगी तो वो नुकसान भी जरूर होंगे है, किसी के लिए वह नुकसानदायक होंगी किसी लिए फायदेमंद होंगी है। तो जिदा हूँ जोड़े रिक्शे वाले है जोड़े आटो चालक आटो चलाते जोड़े है ना, उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने काम से असर पेगा क्योंकि जिन्हों लोगों ने आटो तो अगे जाना होंगे वो हूँ मैट्रो न जो मतलब कि अपनी प्रियोरिटी पर रखेंगे क्योंकि मैट्रो तो एक तो तुम जल्दी पहुँच जाओगे, एक तो इनवायरमेंट नीट एंड क्लीन मिलना, तो फीलिंग घेंट होनी है उस बह के आटो के तुम थां थां झटके वजने खड्डे जाना कदम कितने जाना क्योंकि लाहौर ज इंडिया पाकिस्तान दड़क आपको पता ही है किदा दी है। तो हुण कितने मैट्रो है तो कितने आटो है, अगला बंदा मैट्रो नू ही जो एक प्रियोरिटी पर रखेगा ठीक है। बट जेकर गल करिए फेयर की तो फेयर नहीं मैनू पता यार, इतने इन्होंने 40 रुपये रखे है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स लिटल हाई बिकॉज जेकर बंदा कोई आटो पर जा रहा तो उन्हें थोड़े दूर ही जाना, एक स्टेशन दूर ही जाना है, एक चौंक तो दूजे चौंक ही जाना, तो उन्हें 10 रुपये दे के भी पहुँच जाना ठीक है। बट जे इतने मिनीमम इन्होंने शायद 40 दसिया मैंने जो कि एक कोस्टली है ना बाकी चीज़ नालों, हो सकता इन्हों जो मैट्रो का किराया वो घट करना पवे, बट अगे देखते हैं कि होंगे, पर लोगों की सहूलत दे ले मैट्रो आई है सो बहुत अच्छी गल है। तो बाकी इन्होंने वीडियो में भी काफ़ी अच्छा दसिया, इन्हों चैनल भी जाके चैक जरूर करो, तो बाकी मैं हूँ नीचे कमेंट करके दस्यो कि तुम लाहौर तो कि बंदे हैं ठीक है, तो तुम इस चीज़ का पूरा फायदा मिले या नहीं मिले, तुम की चाहते हो खुश हो इस नाल या नहीं खुश होए कमेंट डाउन बिलो ठीक है। तो मैं मिलता तुम्हें नैक्सट वीडियो से, तो इंस्टाग्राम पर जाओ तो जाके फॉलो कर लो, फॉलो करके फिर रिक्वेस्ट करनी है ठीक है, फॉलो करके रिक्वेस्ट करोगे तो ही पूरी होएगी जो भी तुम कहोगे, आ भी आप जिन्हों बंद ने दसिया उन्होंने स्क्रीनशॉट तो इस वीडियो मिल जाएंगे। मैं मिलता तुम्हें किसी होर वीडियो तद तक मिलने दो इजाजत, सत श्री अकाल, चक्की रखो इदा ही कम। We'll be right back.